मेरी खोज खबर लेने के लिए आदमी भेजे थे। देख लो, मैं जेल से आ गया हूँ। अब चाहे कितनी भी अपनी पलटन भेजो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इंद्रजीत नहीं, चंडाल हूँ। तुम चाहो तो मेरा प्रोग्राम नोट कर लो। तुम सब मेरी डायरी में मर चुके हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडाल फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। चंडाल एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 13 मार्च सन 1998 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा, रामी रेड्डी, पुनीत इसार, हेमंत विर्ज, जैक गार्ड, अख्तर गिल, असरानी और अश्विनी कौशल जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टीएलबी प्रसाद ने, प्रोड्यूस किया था राजीव बब्बर ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी टीएलबी प्रसाद ने, डायलॉग्स लिखे थे अनिरुद्ध तिवारी ने, म्यूजिक दिया था आनंद मिलन ने और गानों के वो लिखे थे देव कोहली ने। मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी मार सकता हूँ, मगर अभी मारने से तुमको मारने का क्रेडिट मेरी बुलेट को मिल जाएगा। सभी कहेंगे कि गोलियां चली और सब मारे गए, लेकिन तुम सबको मारने का क्रेडिट कानून से बचकर हमको चाहिए, हमको। बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 40 लाख रुपए की कमाई की थी और अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 78 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया इस फिल्म ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में 6 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म चंडाल बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है और ये फिल्म सन 1998 में कमाई करने के मामले में 32वें नंबर पर थी। क्या टाइम हो रहा है जैक? 5 बजे। कल इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। 24 घंटे तक मौत का स्वाद लेते रहो। अगले 24 घंटे की जिंदगी इस चंडाल की दी हुई एक बख्शिश है तुम्हें। जियो, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, मैं तुम्हें खोज लूंगा। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, जो शायद ही आप जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती से पहले इस फिल्म में सनी देओल को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में साइन किया गया था। ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की लीड एक्टर के रूप में आखिरी सक्सेस फिल्म थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चंडाल फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।